झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और बीजेपी विधायक अमर कुमार बाउरी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा की। बता दें कि इस मौके पर लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला है। सिर्फ झारखंड विधानसभा ही नहीं बल्कि देश की सभी राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित उम्मीदवारों की शीर्ष स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। शीतकालीन सत्र झारखंड का कल से प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर एक दिन जो माननीय अध्यक्ष जी के साथ सभी विधायक दल के नेताओं के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, उसी अनुरूप आज हम लोगों ने बैठक की। और आज खुशी की बात यह है कि आज सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिला और आशा करते हैं कि सत्र में जो राज्य के विषय हैं और जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा मंदिर आम नागरिकों का जो समस्या है, उन बातों को रखा जाएगा और सरकार पूरी तरीके से उन सभी मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है।